अस्सलाम वालेकुम हबीबी, मुझे अभी अभी पता चला है कि 6 लाख रुपए डाउन पेमेंट और 300 रुपए पर डे की किस्त के हिसाब से आप लोगों को घर मिल रहा है। और मैं ये जानना चाहता हूँ, नेशन जानना चाहता है कि किस तरीके से ये पॉसिबल है मुंबई के अंदर 300 रुपए पर डे के हिसाब से 6 लाख रुपए डाउन पेमेंट में स्टेशन के नजदीक घर कैसे मिल सकता है। चलिए संवाददाता के पास। हेलो जी, बिल्कुल मैं सेलेस 612 के बाहर खड़ा हूँ और यहाँ पे लोगों का भीड़ उमड़ा है। अरे बाप रे, मतलब 2 बेडरूम खत्म हो गया। हाँ, यहाँ पे खत्म हो गया। ओहो, 300 रुपया रोज का देने का है, मतलब टीएमसी बिल्डिंग है और नियर बाय अपना स्टेशन है, और क्या चाहिए इंसान को। तो इस हिसाब से पब्लिक को आसान पड़ता है, मिडिल क्लास लोगों को आसान पड़ता है। तो मैं खुद भी जा रहा हूँ, आप भी आइए, और ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल करें। और कॉल भी तो पता है क्या करना है, अजान शख्स को मेरी मम्मी ने देखे उनके उसकी बीवी के साथ। और मेरी वाइफ जो रील बना रही है उसके 2 लाख से माशाल्लाह वो फॉलोवर्स है और वो अपना काम कर रही है। तो अपने बेटे को बताना जरूरी समझे, तो उन्होंने बताया, उनका खाना बंद कर दिया। हमारी माँ बहुत अच्छे से रहती है हमारे साथ। कुत्ते की जिंदगी दूंगा तुझे रहना पड़ेगा। की बीवी ने आके मेरी उंगली मोड़ दी। ये मेरी सगी बहन नहीं है, अपनी माँ को भी मारा उधर। विजय भी मेरी जेब में, पुलिस मेरी जेब में है। प्रॉपर्टी के लिए मेरी ये बहन अपनी बीवी को बोला अपनी माँ को मान ले, खुद से चाकू अपने घर का लेके खुद से वार किया है। समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये सब क्यों हो रहा है। बोले तूने मेरी माँ को घर में बिठाई ना, तेरे को तो बताता हूँ, तेरे रास्ते लगा दूंगा। जो उनकी बहू है ना, वो आउटलैंड की है। वीडियो वायरल हुई तो ये लोग को बहुत ज्यादा मेरे से प्रॉब्लम हो गई। क्या है ना, वो उसकी कमाई खाता है। अगर ऐसा कुछ होता तो सबसे पहले मेरे हस्बैंड मेरा साथ नहीं देते। औरत के कहने पे चलता है, जोरू का गुलाम है। ये परिवार की स्टोरी इंस्टा पे भी इसने डाली है। शब्बीर खान की जो बहन है उन्हीं से बात करेंगे। क्या नाम है आपका और क्या पूरा मामला है, किस वजह से आपने जो है FIR शब्बीर खान पर दर्ज करवाई है? सर, मैं उसकी बहन हूँ, मेरा नाम है शबीना जरीन खान। और दरअसल क्या हुआ, कुछ 5 महीने पहले की बात है, मेरी मम्मी के घर में उसके भाई बहन के लड़के लोग आते होते, मेरी मम्मी सबको पहचानते। एक दिन एक अजान शख्स को मेरी मम्मी ने देखे उनके उसकी बीवी के साथ। तो अपने बेटे को बताना ज़रूरी समझे, तो उन्होंने बताए, पर वो कहता है माँ को ही पलट के कि तू अभी इसके बारे में किसी से डिस्कस मत करना, ये नहीं करना, और तू मुंह बंद करके रह। तो मेरी मम्मी बोले ऐसा क्यों बोल रहा है, तो बोले नहीं बस तेरे को 2 टाइम का खाना मिलता ना, खा, आगे तू पंचायत मत कर। और उसके बाद मेरे को ब्लॉक कर दिया, मेरे से थोड़ा बातचीत मेरी अम्मी करते थे, मुझे ब्लॉक कर दिया। मैं माले पे फ़ोन कर दी थी, उनको भी धमकी दिया, इनको भी धमकी दिया, मेरी माँ से बात मत कराना, पड़ोसी है मेरे मम्मी के मेरे नहीं, तो उनको धमकी दिया। नीचे में मेरा जो घर, मेरा भी घर है वहाँ, वो संभालते, उनको भी धमकी दिया कि मेरी मम्मी को फ़ोन नहीं देना, ये नहीं देना। फिर एक दिन हम लोग ने, हमारे ये भाई के लड़के हैं, हमने उनको बोले, उनका खाना बंद कर दिया, उनका मोबाइल का चार्जर ले लिया, उनका टीवी बंद कर दिया। यानी कि बोलता है जैसे तुझे मैं रखूँगा वैसे तुझे कुत्ते की ज़िंदगी दूंगा, तुझे रहना पड़ेगा। किसको? मेरी माँ को। क्या नाम है आपके? बोलता है मेरी माँ का नाम है सलमा हनीफ खान, और ये घर है ना, ये घर उनका है, मेरी माँ का है, जो वो आज बोल रहा है मेरा है। और ये मेरे भाई के साथ मैं गई थी, ये मेरे मामू के लड़के, तो इनके साथ मैं उनको उनके घर पे गई थी, तो इनके साथ भी उन्होंने वैसी ही लैंग्वेज वापरी कि मैं उसको कुछ भी नहीं दूंगा, पानी नहीं दूंगा, खाना नहीं दूंगा, मैं उसको चार्जर नहीं दूंगा, उसको कुत्ते के नोक पे रखूंगा, कुत्ते की ज़िंदगी दूंगा। तो उसके बाद फिर थोड़ा उसने हाथापाई, उसकी बीवी ने आके मेरी उंगली मोड़ दी, मेरी बहन की उंगली मोड़ दी, कोई बात नहीं थी, उंगली डायरेक्ट मोड़ दी। इतने सारे जन थे वहाँ पे, ये भी थे बेचारे। तो और आगे फिर जब हम लोग पुलिस स्टेशन, मेरी अपनी माँ को भी मारा उधर, सब किया, फिर हम लोग पुलिस स्टेशन गए, वहाँ पे कंप्लेंट करे, तो पुलिस ने भी हमारा कोई साथ नहीं दी। और ये बार बार बोलता है मैं बीजेपी में हूँ, बीजेपी मेरी जेब में, पुलिस मेरी जेब में है। ये मेरा भाई, माँ को लेकर क्या हुआ था? जो आज मैं आई थी अपनी माँ को यहाँ से लेके जाने के लिए, 3 दिन पहले मेरी माँ गई थी घर पे, इनके घर में शादी का फंक्शन था, तो इन्होंने बुलाया। इनका घर कहाँ? इनका घर यहीं पे है, यहाँ पे स्टेशन के पास। हाँ, तो इनके घर में इनके भाई की लड़की की शादी थी, तो इन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करे, 2 शादी में नहीं आए, ये शादी में आओ। बोले अच्छा ठीक है। मम्मी बोले वैसे भी बेटा मैं कितने दिन तुम लोग के घर पर रहूँगी, मेरा घर है, मैं तो जाना ही है। बोले अच्छी बात है मम्मी, चले जाओ। पर वो ऐसे नाटक करता, तो मम्मी वहाँ पे गए, पर मम्मी कुछ 1.5 घंटा थे, उसने अपनी बेटी को बोला ये पानी का डब्बा आगिंदा लेके जा, इसको मेरे घर का पानी भी नहीं दूंगा। और अपनी बीवी को बुला के बोला इसका मुंह फोड़ दे, अगर ये तेरे को कुछ बोलेगी तो इसका मुंह फोड़ देना, इसको जीने मत देना। मम्मी बेचारी अपनी बीवी को बोला अपनी माँ को मान ले, हाँ मेरी माँ को, और बोला कि ना इसको ऐसे ही करा, और ना सब खुद पैंट वैंट शर्ट पहन के मेरे पीछे मारने के लिए भागा। उसको पता चला कि मैं आई हूँ, तो मेरे पीछे आया, वहाँ से फिर वो निकल गया। मम्मी भी बेचारे जल्दी जल्दी अपना कपड़ा पहन के निकल गए। मम्मी ने मुझे बोला मैं क्या करूँ, तो मैं बोली मम्मी तुम घर पे मत जाओ। कि मम्मी का उम्र 75।
तो क्या हुआ, घर में रखने के लिए राजी नहीं है माँ को? बोलता ये घर में रहने का नहीं, रहने का तो मुंह बंद करके रहने का, ये औरत वो मम्मी बोले जाने दे तू मेरे को सिर्फ दो टाइम की रोटी दे, तो उसमें भी वो उसका ये कि अब तू आई मत बोलता। अभी आज पता लग रहा है कि आप लोग गए थे शायद वहाँ पर तो मारपीट हुई? आज मैं गई थी, कुछ वार वार हुआ है शब्बीर के ऊपर? शब्बीर पे कुछ भी नहीं हुआ है, शब्बीर पे कुछ भी ना, देखो ये पड़ोसी है मेरी अम्मी के, ये बताए गए उसने ना खुद से चाकू अपने घर का लेके खुद से वार किया है ताकि एक तो एक कंप्लेंट बने। मैं गई थी सर अपने कमिश्नर ऑफिस गई थी, कमिश्नर ऑफिस से भी मैंने इसको बोली। और जो चौकी से ये सॉरी जो चौपर उसने हम लोग को मारने के लिए निकाला था वो चौपर की वीडियो भी हम लोग के पास, और उसके बाद हम लोग वीडियो उसकी शूटिंग करने लगे तो उसके बाद वो खुद अपने हाथ पे कोने में जाके अपने हाथ से वार मारा है। ये एविडेंस हम लोग के पास खुद है वीडियो, आपको हम लोग वीडियो भी बता सकते। और दूसरी बात, ये मेरी फुप्पी की लड़की है, मेरे को बुलाए तो मैं गया घर पे इनको कपड़े दिलाने के लिए, तो भाभी को मेडिकल फुप्पी फुप्पी का मेडिकल फाइल और कपड़े साथ में, मैं मेरी मम्मी के यानी शब्बीर की माँ के, तो मैंने इसको क्या बोली फोन करके, देख भाई तू वहाँ रहता है मेरे साथ चल, मेरे को सिर्फ मेरी मम्मी की मेडिकल फाइल चाहिए और कुछ उनके कपड़े हैं वहाँ सामान लेके, अब मेरी मम्मी को मैं इधर नहीं लाऊंगी, अब इससे मैं भी हार गई हूँ, अब मुझे नहीं लाना इधर। तो वो सोच के मैं आई थी पर उसने उधर इतना तमाशा कर दिया। मैं वडाला से आई हूँ सर, मेरी अम्मी को मतलब मम्मी तो यहीं थे, मैं अकेली वहाँ से आई हूँ सर। आप बताइए मेरे को लड़ना होता तो क्या मैं अकेले आती? तो अभी आपने जो है FIR कराया, वो कब FIR कराया? ये मैंने चार तारीख बारहवा महीने को FIR हो चुका है। लेकिन आज हम लोग सीनियर साहब से भी मुमरा चौकी के मिले, डिस्कस किए, तो सीनियर सर का कहना है ये कलम के थ्रू हम लोग उसको अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, नॉर्मल केस नॉर्मल कलम लेके FIR रजिस्टर किया गया है। तो सीनियर साहब का कहना है, बोले आप लोग को अगर केस करना है तो आप लोग कोर्ट में करिए वकील के थ्रू। और दूसरी बात, शब्बीर मुझे धमकी देता है। शब्बीर भाई की जो माँ है वो आपकी क्या लगती है? मेरी फुप्पी लगते हैं, और ये मेरी फुप्पी की लड़की है शबीना दीदी। तो मैं इन लोग के साथ इन लोग के हेल्प के लिए घर गया था, तो मेरे से गाली गलौज कर रहा है ये वो आज। और हम लोग के पास उसकी वीडियो भी है, वीडियो बताइए आप। ये देखो ये वीडियो है, ये गाली दे रहा है, ये देखो ने आपको भी अंदर बिठाई थी, क्या हुआ? हम लोग चौकी में कंप्लेंट करने आए थे, तो मुमरा पुलिस के जो 3-स्टार एक कोई सर है, उनका नाम नहीं मालूम है, हाइटेड है, तो सर से हम लोग ने बताया, सीनियर साहब से हमारी 1 घंटे पहले डिस्कस हुई थी, फिर हम लोग फुप्पी को कपड़ा दिलाने के लिए घर पे गए थे, कपड़ा लेके फुप्पी की बेटी फुप्पी को अपने ससुराल लेके जा रही है, तो साहब बोलता अंदर बैठ, मेरे को अंदर बिठा दिया। और ये एक भाई भी है, इधर आओ भाई, एक भाई भी अपने साथ में, उनको भी अंदर बिठा दिया हम लोग को, 1.5 घंटा कम से कम अंदर बिठाए हम लोग को। तो हम लोग बोल रहे सर हम लोग आरोपी थोड़ी ना है, हम लोग भी हमारी कंप्लेंट लिखाने आए, दोनों पार्टी साथ में, तो दोनों को इंसाफ एक लेवल करो। तो मेरे को बोलते हमारे को कानून मत सिखा तू, हम जानते तू तेरा अंदर बैठने का काम कर। तो मैं अंदर बैठ गया, और मेरा मोबाइल अभी भी मुमरा चौक। आज भी आप लोगों ने कुछ एनसी वगैरह? हाँ, ये हमारे पड़ोसी है, आपा आपने किए? मैं पड़ोसन हूँ शब्बीर भाई की, हमेशा मतलब गाली गलौज देना, और वहाँ पे तो इतना जुलुम करता है, खाना नहीं देता है, बिल्डिंग वाले हम लोग खाना देते हैं। मेरा नाम परवीन है, पड़ोस में ही रहते हैं। हाँ, मैं पड़ोस। और आज क्या हुआ था? आज बस ये हुआ कि ये लोग कपड़े बिपड़े लेने आए अपने मम्मी के, और इन लोग उसने दरवाज़ा नहीं खोली, उनकी वाइफ ने, शब्बीर की औरत ने दरवाज़ा नहीं खोली, तो ये लोग मेरे घर पर आए पानी पीने के लिए, उनके अम्मी बहुत उम्र वाले, तो पानी पीने मेरे घर पे आए, बस आके बैठे पानी पिए, उतने में आ गया वो और डायरेक्ट मेरे को गाली देने लगा, बोले तूने मेरी माँ को घर में बिठाई ना, तेरे को तो बताता हूँ तेरे रस्ते लगा दूंगा, तेरे को गायब कर दूंगा, और माँ बहन की मतलब गाली देने लगा। हाँ, मैंने भी एनसी कराई, क्योंकि मुझे उससे बहुत खतरा है, और मुझे घड़ी घड़ी धमकी देता है कि मैं तेरे को गायब कर दूंगा। अच्छा, मिला जुला के पूरा जो मामला है ये, माँ को वो घर पे रख नहीं रहे हैं, बस यही वजह है, ज़ुल्म करती है। दरअसल जो उनकी बहू है ना, वो आउटलैंड की है, और वो मेरी माँ ने बस उसके बारे में जो सच बताई ना, उसकी वजह से क्या है ना, वो उसकी कमाई खाता है, ये साफ बात है, वो उसकी कमाई खा रहा है, क्योंकि वो कुछ काम धंधा करता नहीं है सर, तो इसके लिए उसकी कमाई खा रहा है ना, तो वो मुँह बंद करके बैठा है, तो एक सास कैसे बैठेगी? और घड़ी ये बोलता है कि BJP मेरे जेब में है, पुलिस वाले मेरे जेब में है, एक एक को बराबर बताऊंगा, पूरी सबके रस्ते लगाऊंगा, घड़ी घड़ी ये डायलॉग मारता है। मैडम कोई है ना, तो उनके बारे में बार बार बोलता है वो रीटा मैडम मेरी जेब में है,
मैं वो रीटा मैडम को भी नहीं छोड़ूंगा, मतलब उनके थ्रू मैं तुम लोग को बर्बाद करूंगा। नहीं नहीं, तो मेरी रीदा मैडम से ऑफिस में मैं गया रीदा मैडम के, और रीदा मैडम के ऑफिस में मैंने बात किया, रीदा मैडम अवेलेबल नहीं था। एक्चुअली रीदा मैडम की तबीयत खराब थी, तो रीदा मैडम के जो बंदे लोग है, एक लेडीज थी, उनने बात की, और सिकंदर भाई का नाम लेता है और जुल्फिकार करके कोई है उसका नाम लेता है। तो मैंने रीदा रशीद की ऑफिस में, मैम रीदा रशीद मैम के ऑफिस में बात किया। मैंने बोला मैम ऐसे ऐसा आप लोग के इस पे हम लोग को धमकी देता है, आप लोग की पार्टी पे कुछ ये कार्य करता है क्या? तो इन लोग ने सीधा साफ कर दिए, कोई भी नहीं है हम लोग की पार्टी से, इसका लेना देना नहीं है, कुछ नहीं है। और सिकंदर भाई भी हम लोग को हेल्प करने के लिए चौकी खुद आए थे, और सिकंदर भाई ने बोले हमारा भी कुछ रिलेशन उसके साथ नहीं है, हमें खाली ये हमारा नाम यूज़ कर रहा है और हम लोग की पार्टी को बदनाम कर रहा है। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है रीदा मैडम, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो विवाद हो रहा है, दरअसल ये विवाद पूरे जो हुआ है ये माँ को लेकर हुआ है, कि माँ को घर में शब्बीर नहीं रख रहे हैं, नहीं रखना है उसे माँ को, माँ को नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है, वजह उसकी? औरत के कहने पे चलता है, जोरू का गुलाम है। शब्बीर भाई, आपकी जो माँ है सलमा खान और आपकी जो बहन है सबीना खान, इन्होंने आप पे कई गंभीर आरोप लगाए थे कि आप अपनी माँ को मारते हो और खाना नहीं देते, गाली गलौज करते हो, ऐसे कई अन्य आरोप भी लगाए गए आपके ऊपर, तो इसको लेकर क्या कहना चाहोगे आप? अस्सलाम वालेकुम, शब्बीर खान नाम है मेरा। मेरी माँ पिछले 20 साल से, तकरीबन 23 साल, 23 साल से हमारी अम्मी को हम संभाल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी अम्मी को हमने आज तक कोई तकलीफ नहीं दी, अम्मी से हमारा बहुत अच्छा रिलेशन था और है। लेकिन ये कुछ जो मेरी बहन है जिसका आना और फिर घर में दखल देना, उस वजह से ये सब कुछ जो सीन जो क्रिएट हो रहा है वो हो रहा है। हमारी अम्मी का घर जो था वो हमारी अम्मी ने, अम्मी की मर्ज़ी से वो जाते हैं, अपनी मर्ज़ी से वो आते हैं, और अम्मी से हमारा ना जो अम्मी जो हमारी बोल रही है वो हमारी अम्मी मेरे बारे में कुछ भी अभी तक गलत बोली नहीं है। मेरी माँ ने जो भी बोली है वो मेरी बहन जो बोल रही है उनको उसकी वजह से बोल रही है, और मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन उसका कहीं ना कहीं कारण है ना, ये मेरा कुछ भी मेरी माँ से आज तक ऐसा है नहीं। जो भी है ये ना मेरी वाइफ है, मेरी वाइफ जो है इन्होंने रील्स बनाना चालू किया मेरी इजाज़त के मिलने पर, तो आज वो एक साल से रील बना रही है। रील उन्होंने भी बनाना शुरू किया, जो मेरी बहन है शबीना खान, उन्होंने भी बनाना चालू किया, उनके भी वो मैं सब दूंगा। उनके फॉलोअर्स कुछ साल भर में 500 550 हो गए, ये सब मसला ही सब चीज़ों से है। और मेरी वाइफ जो रील बना रही है उसके 2 लाख से माशाल्लाह वो फॉलोअर्स है, और वो अपना काम कर रही है, कोई ख़राब काम नहीं कर रही है, हिजाब में वो अपना रील बनाती है, अपने दायरे में रील बनाती है। तो ये सब मेरी माँ का जो और मेरी जो बहन का जो बोलना था कहना, ये ना रील्स आप है ना इसको मत बनाने दो, इसको घर से बाहर मत जाने दो, तो मैंने सिर्फ यही बोला हूँ कहना ये जो काम जो कर रही है, जो ये जो रील्स बनाती है या कोई काम कर रही है, काम कर रही है, इसको आप काम करने दो, तो फिर ये अगर अपने पैर पे खड़ी है तो क्या गलत बात नहीं है? नहीं, रील्स को लेकर ये झगड़ा नहीं है आपका, विवाद जो चल रहा है रील्स को लेकर नहीं चल रहा है। आप अपनी माँ को मारते हो, घर से बेदखल कर दिए, घर में प्रॉपर्टी को लेकर ना रखने की वजह क्या? नहीं, हमारी माँ को हमने मारा है ऐसा कोई मारते हुए सबूत, या माँ को डायरेक्ट गाली देते हुए कोई सबूत, ऐसा कोई सबूत अभी तक उन्होंने दिखा पाए नहीं। वॉइस रिकॉर्डिंग में आप बोल रहे हो कि सलमा है, सलमा पे लालच बरसे, ऐसा कुछ बोल रहे थे आप? वो रिकॉर्डिंग को जो उन्होंने जो वॉइस बता रहे हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग पे आप देख लीजिए कि है ना वो वॉइस रिकॉर्डिंग सच है या गलत है, सच है या गलत है वो देखिए ना। मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाता हूँ कि है ना मेरी माँ को है ना मैं कैसे इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह संभालता हूँ, प्यार करता हूँ, और क्या चीज़ मैं करता हूँ मैं आपको बता देता हूँ। ये मदर डे का था, कुछ दिन पहले का मदर डे का था, ये हमारी अम्मी को ये मदर डे का मैंने अपनी माँ का बनाया, ये मेरा घर है, ये मेरी माँ का घर है, उसके बीच में ये मैंने बनाया है, ये मदर डे। और भी कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको, ये देखिए, ये मैं जब भी होटल वगैरह में जब हमारे मेरे रिश्तेदार आते हैं, मेरी बहन आती है दुबई से या कोई, तो मैं ये ऐसे इंजॉयमेंट हम करते हैं। हमारी माँ बहुत अच्छे से रहती है हमारे साथ, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई मसला नहीं। मसला सारा जो हुआ है ये प्रॉपर्टी, और ये प्रॉपर्टी का विवाद है, ये प्रॉपर्टी यहाँ से लेके तो गाँव तक का ये प्रॉपर्टी का मसला है।
ये बहन कुछ दिन पहले हमारी आई थी और हमारे कुछ भाई ऐसे होते हैं जो यहाँ पे रहते हैं, वो उनके घर पे गई थी प्रॉपर्टी की बात करने। ये विषय सब वहीं से शुरू हुआ है। तो आपकी जो बहन है, ये सगी बहन है आपकी? ये मेरी सगी बहन नहीं है। ये अगर मेरी सगी बहन होती तो आपको लगता है ये ऐसी बात करती? मेरी माँ जो है वो मेरी सगी है। और एक चीज़ मैं और आपको दिखाना चाहूँगा अभी, उसके बाद मैं आपको और क्लियरेशन दूँगा। आप देखिए क्या ये जो वीडियो है, आप गौर से सुनिए। इस घर में वीडियो सुनिए, ये घर वो वही तो कह रही है। उन्होंने वीडियो में खुद मेरी माँ ने कहा है कि शब्बीर घर बेचता है और कब लेता है मुझे नहीं मालूम। तो मैंने घर बेचा तो जो ये सबीना खान है इनके जेठ को घर बेचा था, और मैंने जो घर लिया था 10-12 साल पहले की बात है, वो घर मैंने मेरी माँ के नाम पे लिया था। मैंने कभी दावा नहीं किया कि ये घर मेरा है। उनका तो ये कहना है कि घर मेरा है। हाँ, तो आप रह रहे हो? नहीं नहीं, आप समझिए, ये घर मेरे पिताजी ने पैसे दिए थे जब मेरे पिताजी इंतकाल कर गए। तो मेरे पिताजी ने जब पैसा दिए थे तो मेरे अब्बा जो है उन्होंने ये घर पैसा दिया था, तो मैंने घर वो एक घर दिया था उसको बेच के मेरी माँ के नाम पे ही लिया। मेरी माँ खुद बोल रही है, मैं अगर ये चाहता तो मैं अपने नाम पे ले सकता था, अपने नाम पे अभी भी मैं कोई पेपर रख सकता था। अभी हमारी माँ के नाम पे मैंने खुद लिया हूँ मेरी माँ के नाम पे घर, ये मेरी माँ खुद कबूल कर रही है। शब्बीर भाई, आपकी जो बहन है वो इस पूरे झगड़े की वजह बता रही कि आपके घर में कोई दूसरे मर्द लोग आते जाते हैं, इस वजह से जो है आपकी माँ ने जो है विरोध किया कि कोई दूसरा ना आए हमारे घर में और ये सब जो है आप लोग बंद करो। देखिए इस तरह का आरोप लगाया तो क्या सकते हैं? वाइफ पर भी ये आरोप लगाया गया कि दूसरे आदमी के साथ मैंने देखी थी, उसको लेकर ही 6-7 महीने से ये विवाद चल रहा है और मेरे को गाली गलौज दी है, अगर तूने किसी को बताए तो तेरे साथ ऐसा कर दूंगा, ऐसी धमकी भी दी आपने, ऐसा उन्होंने आरोप। देखिए सरासर गलत और खराब और गंदे इल्जाम है। मैंने ये नहीं सोचा था कि ना प्रॉपर्टी के लिए मेरी ये बहन जो मेरी, मैं बोलता हूँ कि मेरी मतलब सौतेली भी बहन हो ना, तो वो ऐसा नहीं करेगी प्रॉपर्टी के लिए। और ये प्रॉपर्टी से मुझे कोई प्यार नहीं है। मैंने परसों भी माँ को मैंने वॉइस भेजा दुबई में भाई को, कहना मैं ये प्रॉपर्टी है ना मम्मी को चाहिए, मैं वो दे देता हूँ। और जो मेरी जो बीवी पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं, अगर ऐसा कुछ होता तो मैं मेरी बीवी को मैं कुछ वो करता। आप क्या कहना चाहेंगे जो आरोप लगा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है लैला शब्बीर अहमद खान। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि ये लोग जो मुझ पर जितने भी आरोप लगाए ये सब एकदम गलत लगा रहे, और जो भी ये लोग मेरे से कि क्या चीज़ पे ऐसा कर रहे मैं नहीं जानती। बस मैं जो रील बनाती थी ये लोग उस पर पहले से ही जलते थे और पहले से ही मुझे रोक टोक करते थे कि इस पर रील मत बना। और लेकिन इस तरीके से जब मेरी वीडियो वायरल हुई तो ये लोग को बहुत ज़्यादा मेरे से प्रॉब्लम हो गई। वीडियो को लेकर विवाद तो नहीं लग रहा है फिलहाल? मेरा जो ये लोग ने मुझे बंद करने बोले थे, सबसे पहले मुझे वीडियो ही बंद करने बोले थे, तो मैं अपने हस्बैंड की इजाज़त से बनाती हूँ और मैं कोई ख़राब वीडियो नहीं बनाती। आपकी जो सास है, जो शब्बीर भाई की माँ है सलमा खान, उन्होंने आप पे ऐसा आरोप लगाया कि आपके साथ में कोई रूम में कोई पकड़ा गया या देखी मैंने, ऐसा कुछ उन्होंने आरोप लगाया? उसको लेकर क्या कहना? जी मैं मेरे हस्बैंड के साथ हूँ, अगर ऐसा कुछ होता तो सबसे पहले मेरे हस्बैंड मेरा साथ नहीं देते। और जो मैं हूँ, मैं अपने घर में मेरे पूरे बच्चों के साथ रहती हूँ और मेरी फैमिली के साथ रहती हूँ, और मम्मी जो है, जो इनकी मम्मी जो मेरी सास है, वो हमेशा साथ में घर में ही रहते। तो अगर ऐसा कुछ होता तो मम्मी पहले ही बोलते ना, 6 महीने पहले देखा गया था जब से। नहीं, ये बात गलत है, सरासर मेरे पे बहुत गलत इल्जाम लगा रहे हैं। और जो शब्बीर भाई की बहन है उनका साफ ऐसा कहना है कि सिर्फ दूसरे लोगों का घर में आना जाना जो होता है उसी वजह से माँ ने मना किया, वही वजह है जिसकी वजह से शब्बीर भाई माँ को घर में रख नहीं। नहीं, ये बात सरासर गलत है, ये लोग मुझ पर बहुत ही गलत इल्जाम लगा रहे हैं। और मैं इसका जो है वो इंशाल्लाह बहुत जल्द इसका खुलासा भी मैं सामने करवाऊंगी, क्योंकि ये जो लगा रहे हैं वो ये बहुत गलत एग्जाम लगा रहे हैं। ये लोग ने मुझ पर आरोप लगाया कि मैं ताश में रुकती हूँ, मैं होटलों में रुकती हूँ। तो हाँ मैं रुकती हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली, मेरी बहन वगैरह दुबई में रहती है और हमारा घर इतना बड़ा नहीं है कि वो लोग वहाँ हमारे घर में रुके। तो वो आके वो लोग के बच्चे वगैरह वो लोग होटल में ही रुकते, और मैं होटल में अकेली नहीं रुकती, उसके साथ मेरे भाई के बच्चे, मेरी बहनों के बच्चे, और यहाँ तक के मेरी सास जो मेरी इनकी मम्मी है वो भी हमारे साथ ही रुकती है। इनकी बहन
जो सबीना खान है वो भी हम लोग के साथ महाबलेश्वर से लेके हर जगह वो हमारे साथ गई है। मेरे पास सारे प्रूफ है, हर चीज़ में हम लोग ने उनको साथ में ही रखे, आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि मैंने हर चीज़ में उनको अपने साथ ही रखी हूँ। कभी ऐसा नहीं कि हम लोग अकेले गए उनको साथ में लेके नहीं गए। तो वो क्या वजह से मुझ पर इतना गंदा एग्ज़ाम लगा है वो तो मैं इसके ऊपर और कुछ नहीं कहना चाहूँगी, मैंने अल्लाह के ऊपर छोड़ी और मुझे बस आप लोग इंसाफ चाहिए मुझे इस बात पर। ये परिवार की स्टोरी इंस्टा पे भी इसने डाली है और यूट्यूब बना रही है, यूट्यूब का चैनल है उसमें भी इसने वो सारी स्टोरी आज से 7 महीने की है। हमारे पास तारीख नहीं, लेकिन उसमें आप देखेंगे तो तारीख सिर्फ 7-6 महीने पुरानी है जब ये सब हमारे साथ घूमे। इससे ये ब्लॉग बनाती है, वो ब्लॉग सब डालती है, पूरा परिवार उसमें है और हर ब्लॉग में वो परिवार है, यही बात है बस।